नमस्कार। कक्षा चार विषय वैदिक गणित में प्रकरण ऋणात्मक संख्या में बदलिए, संख्याओं को ऋणात्मक में बदलना। अभ्यास माला छः में हम इसको हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है 9 और दूसरा छोड़ करके हम तीसरे प्रश्न को हल करेंगे, इसमें है 18। और हम जिन प्रश्नों को हल करते हैं वो 5 से बड़े होने चाहिए। तो 9 को ऋणात्मक संख्या में बदलेंगे। 9 का परिमित अंक 1 विनकुलम और अगले अंक का एकाधिकेन करना, आगे कोई अंक नहीं है तो 0 का एकाधिकेन करेंगे और इसको हम लिखेंगे 1 और 1 विनकुलम। इसी प्रकार से दूसरा जो सवाल है 18 है, इस 18 को हल करेंगे तो 18 में 8 जो है वो इसका परिमित अंक लेंगे। जो अंक 5 से बड़ा है उसको ही ऋणात्मक में बदला जाता है और जो 5 से छोटे हैं उन्हें नहीं बदला जाता। 8 का परिमित अंक 2 विनकुलम और अगले अंक का एकाधिकेन करना, ये 2 और 2 विनकुलम हमारा उत्तर आ गया। तो दो प्रश्न हमने कर लिए हैं। इसके बाद में 5वां और 7वां दो प्रश्न और कर रहे हैं अपने। 5वां प्रश्न नंबर 5 और 7, ये 5वां प्रश्न है और ये 7वां, और एक 9वां और लिख देता हूँ मैं, इसमें हल हो जाएगा 5वां 7वां 9वां। तो 5वें प्रश्न में संख्या है 39 और इसके बाद में 7वें में है 82 और 9वें प्रश्न में है 68। इस प्रकार से सभी अंक 100 से छोटे हैं। इसमें हमको देखना है कि कौन सा अंक 5 से बड़ा है। 9 5 से बड़ा है तो 9 का परममित्र अंक 1 और उस पर विनकुलम लगेगा। सामने वाले अंक का एकाधिकेन तो 3 का एकाधिकेन 4 हो जाता है, तो 4 और 1 विनकुलम। अगर ये अंक 5 से बड़ा हो जाता है, 5 रहेगा तो उसको अगर विनकुलम में बदलेंगे तो 5 ही रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जो 5 से छोटे होते हैं उन्हीं अंकों को हम ऋणात्मक में बदलते हैं। ये प्रश्न हल हो गया। अगला प्रश्न, जो पहला जिसको हम बदला करते थे वो 5 से छोटा है, इसको हम नहीं बदलेंगे। इसके बाद में अंक 8 है, 8 का परिमित अंक 2 विनकुलम, इसको वैसा का वैसा छोड़ दिया क्योंकि ये नहीं बदलेगा। और इससे अगला अंक का एकाधिकेन करना, 0 का एकाधिकेन, कोई अंक नहीं था यहाँ पर, 3 था, 3 का एकाधिकेन किया था, इसके आगे कोई अंक नहीं है इसलिए 0 का एकाधिकेन किया, ये हो गया 1, 2 विनकुलम और 2। इस प्रकार से इसका ये उत्तर निकल गया। अंतिम प्रश्न 9वां हल करेंगे अपने, इसके बाद शेष प्रश्न बालक स्वयं कर सकेंगे। तो यहाँ पर दोनों ही अंक 5 से बड़े हैं तो इन दोनों का को हम चेंज करेंगे। 8 का परिमित अंक 2 विनकुलम और अगले अंक का एकाधिकेन यानी कि 6 का एकाधिकेन 7 हो गया। अब 7 को भी बदला जा सकता है, 7 का परिमित अंक 3 विनकुलम और अगला अंक कोई नहीं है तो 0 का एकाधिकेन, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। इस प्रकार से एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे, 2 विनकुलम, 3 विनकुलम और ये 1। इस प्रकार से ये प्रश्न भी हल हो गया। जितने भी फार्मूले थे इसके अंदर जहाँ जहाँ परिवर्तन होना था तो वो सभी प्रकार के परिवर्तन इसमें आ चुके हैं। इसको आप आसानी से हल कर पाएंगे। अभ्यास 6 पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।